Hello dear students, kaise hain aap? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. Chaliye shuru karte hain. Is video lecture mein hum log janenge rearrangement of carbocation kya hota hai, jise hum 1:2 shift bhi kehte hain. कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट तीन बातें होती हैं. नंबर वन, पहली बात तो ये कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ही क्यों करता है. कार्बोकैटायन हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है. नंबर सेकेंड, इस रीअरेंजमेंट में केवल दो ही कार्बन, यानी एट ए टाइम इसमें केवल दो एडजेसेंट वाले कार्बन ही इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इस शिफ्ट को हम 1:2 शिफ्ट कहते हैं. नंबर थर्ड, ये जो शिफ्ट होती हैं ये किसी भी सीक्वेंस में कितनी भी बार हो सकती हैं, बट इनका मेन कंक्लूजन या मेन मोटिव यही रहता है कि हर स्टेप में, हर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए. अभी तक हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कार्बोकैटायन की रिएक्शन या कार्बोकैटायन इन्वॉल्व था, जैसे एल्कीन या एल्काइन में मार्कोनिकॉफ एडिशन, एल्कोहल की SN1 या A1 रिएक्शन, इसी तरह एल्किल हैलाइड की SN1 या A1 रिएक्शन, इन सभी में कार्बोकैटायन इन्वॉल्व था. नंबर फोर, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन 1:2 शिफ्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कलेक्टिवली इन्हें हम वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट या फिर वैगनर मीरविन शिफ्ट भी कहा जाता है. जैसा अभी हमने पॉइंट वन में मेंशन किया कि कार्बोकैटायन की ये जो शिफ्ट होती है इसमें कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और हर शिफ्ट में कार्बोकैटायन पहले से बेटर यानी पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है. और जैसे ही कार्बोकैटायन पहले से ज्यादा स्टेबल होता है तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी गेन होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी अचीव होती है, यही इस रिएक्शन का या इस 1:2 शिफ्ट का ड्राइविंग फोर्स होता है. नंबर फाइव, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि किसी भी 1:2 शिफ्ट में कोई भी ग्रुप जो माइग्रेट करता है वो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म या कॉन्सर्टेड स्टेप होता है, यानी कि वो ग्रुप कभी भी डिटैच नहीं होता, वो हमेशा अटैच ही रहता है. और इसमें 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको हमने एल्कीन की हैलोजनेशन रिएक्शन के दौरान नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1:2 शिफ्ट में जो भी ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, अगर उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अगर उसमें कायरल कार्बन है और उसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो शिफ्ट करते वक्त उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिटेंशन रहता है, यानी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी तरह से चेंज नहीं होती. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्रुप 1:2 शिफ्ट शो कर रहा है या माइग्रेशन शो कर रहा है वो कॉन्सर्टेड स्टेप है, यानी वो हमेशा उसके साथ अटैच रहता है, कभी भी डिटैच नहीं होता. किसी भी कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में, यानी कि 1:2 शिफ्ट में, केवल दो ही चीजें शिफ्ट हो सकती हैं, या तो कोई ग्रुप शिफ्ट हो सकता है या फिर बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है. इन दोनों चीजों के बेस पर टोटल 5 टाइप्स की शिफ्ट हो सकती है, जैसे नंबर 1 हाइड्राइड शिफ्ट, नंबर 2 एल्काइल शिफ्ट, इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, किसी भी तरह के एल्काइल ग्रुप को इंक्लूड किया जा सकता है. नंबर 3 फिनाइल शिफ्ट, इसमें बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को लिया जा सकता है. नंबर 4 रिंग एक्सपेंशन और नंबर 5 रिंग कॉन्ट्रेक्शन. अब इसमें से कोई भी शिफ्ट कार्बोकैटायन कितनी भी बार किसी भी सीक्वेंस में कर सकता है, बट हर कंजुगेटिव शिफ्ट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहले से बेटर और पहले से इंक्रीज होनी चाहिए. कार्बोकैटायन की 1:2 शिफ्ट को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है. फर्स्ट पार्ट में आज हम इन तीनों को, यानी कि हाइड्रेट शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट और फेनाइल शिफ्ट को समझेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रेक्शन को समझेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1:2 हाइड्रेट शिफ्ट की. अब मान लो हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है. जिस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो उसे आप 1 नंबर मान सकते हैं और इसके एडजेसेंट वाले को 2 नंबर मान सकते हैं, यानी इस कार्बन में केवल एक ही ऐसा कार्बन है जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको 1 नंबर कह रहे हो तो 2 नंबर कार्बन ये बना, तो जो शिफ्ट होगी इन दोनों के बीच में होगी, इसलिए इन सभी तरह की शिफ्ट को हम 1:2 शिफ्ट कहते हैं. अब इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इससे इजीली समझ पाए. अब इस कार्बोकैटायन में इस बाजू वाले कार्बन से, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को ब्रेक करके इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इससे बेसिकली होगा क्या,
जब ये हाइड्रोजन अपने इस सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर ब्रेक होगा तो ये एच नेगेटिव बन जाएगा। अब ये एच नेगेटिव जब यहां पर जुड़ेगा तो इस कार्बोकैटायन की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एच इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो यानी इस कार्बन पर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। और जैसे ये एच नेगेटिव शिफ्ट होगा इस कार्बन और इस एच के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगा। इस तरह की शिफ्ट को हम 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये नोट करनी है, ये जो एच नेगेटिव यानी हाइड्राइड शिफ्ट हुई है इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये एच नेगेटिव इस कार्बन से डिटैच हो जाए। ये हमेशा इसके साथ इस तरह से शिफ्ट होता है कि इनके बीच में 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो सके। यानी कि ये जो हाइड्राइड शिफ्ट या कोई भी शिफ्ट होती है वो हमेशा कंसर्टेड होती है, उसमें वो ग्रुप कंप्लीटली डिटैच नहीं होता। अब आप चाहे कोई भी शिफ्ट करें, जैसे अभी हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करी है, शिफ्ट करने के बाद बनने वाले दोनों कार्बोकैटायन यानी जो पहले हमारे पास था जो अब हमारे पास बन गया है उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अगर कार्बोकैटायन को प्रॉफिट हो रहा हो, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसके एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हो रही है, तो वो शिफ्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं तो वो शिफ्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी। जैसे यहां पर हमारे पास जो कार्बोकैटायन है इसमें डोमिनेंट इफेक्ट जो होगा वो प्लस एच इफेक्ट होगा, यानी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होगा। और इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर यहां पर टोटल 2H है, यानी कि इसमें जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो 2α H के कारण होगा। इसके साथ साथ इस कार्बोकैटायन में ये पूरा जो इथाइल ग्रुप होगा इसके कारण प्लस IV इफेक्ट होगा। और जैसे ही इसमें 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, अब बनने वाले कार्बोकैटायन में टोटल 6α H का, यानी इसमें जो हाइपर कंजुगेशन होगा अब वो 6α H का हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। चूंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है प्लस एच इफेक्ट प्लस आई से डोमिनेट होता है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में प्लस एच का कंपैरिजन करते हैं। यहां पर 2α H का प्लस एच इफेक्ट था जबकि यहां पर टोटल 6α H का प्लस एच इफेक्ट है। यानी कि यहां से हाइड्रेट शिफ्ट करके अगर कार्बोकैटायन यहां चला जाता है तो इसमें उसकी एनर्जी कंटेंट कम हो जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। इसलिए ये जो 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट है ये फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नंबर सेकंड, 1:2 मिथाइल शिफ्ट। अब इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट सिर्फ एक कार्बन है और इस कार्बन पर टोटल 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ अगर यहां से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ले जाकर जब इस कार्बोकैटायन पर शिफ्ट हो जाता है तो ऐसी शिफ्ट 1:2 मिथाइल शिफ्ट कहलाती है। अब इस शिफ्ट में होगा क्या, ये CH3 ग्रुप इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा, यानी खुद CH3 नेगेटिव बन जाएगा और ये CH3 नेगेटिव इस CH2 पे चला जाएगा। यानी बेसिकली इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा अब इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और आफ्टर शिफ्टिंग ये कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें 1:2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद इसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। यानी कोई भी शिफ्ट ऑन पेपर तो पॉसिबल हो सकती है, वो प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है इसको चेक करने के लिए दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर इस कार्बोकैटायन की बात करें, इस कार्बोकैटायन में इस कार्बन के एडजेसेंट ये वाला कार्बन है बट यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी एच या उसका आइसोटोप जुड़ा हुआ नहीं है, यानी इस कार्बोकैटायन में प्लस एच हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एबसेंट है। इसके बाद इसमें दूसरा इफेक्ट होगा कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये ग्रुप इस पे प्लस आई के थ्रू इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। यानी कि इस कार्बोकैटायन में केवल एक ही स्टेबलाइज फैक्टर है, वो भी प्लस आई है। इसी तरह से अगर इस कार्बोकैटायन को देखें तो इसके कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां पर 3 एडजेसेंट कार्बन है और जिनके पास टोटल 8α H है। यानी इस कार्बोकैटायन में अगर अल्फा एच की बात करें तो 8α H का इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा और साथ में इसमें 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। यानी 2 एल्काइल ग्रुप तो सेम रहेंगे और 1 इथाइल ग्रुप का इन तीनों का इसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एच की। क्योंकि इसमें प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट नहीं था और इसमें टोटल 8α H का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यानी प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों में से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी और इसी कारण से ये जो शिफ्ट होगी ये प्रैक्टिकली फिजिबल होगी। अब इन दोनों शिफ्ट के बेसिस पे हमारे पास टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन तो ये बना कि हाइड्राइड शिफ्ट में से और एल्काइल शिफ्ट में से बेटर कौन सी है। यानी कोई हमारे पास ऐसा कार्बोकैटायन है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और एडजेसेंट कार्बन पर एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में
हमको हाइड्रेट शिफ्ट करनी है या फिर एल्काइल शिफ्ट करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना, अगर हमारे पास हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप है, यानी यहां पर एच के साथ साथ अगर डी भी प्रेजेंट होता तो हमको एच को ब्रेक करके देना था या फिर डी को ब्रेक करके देना था, यानी उसमें हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं या फिर ड्यूट्राइड शिफ्ट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि अगर हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, जैसे इस कार्बन पर अभी तो तीनों एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, आइडेंटिकल है, सपोज इस कार्बन पर हमारे पास दो तो मिथाइल होते और यहां पर इथाइल ग्रुप होता, तो आप इथाइल को ब्रेक करके यहां लेके जाते हैं या फिर मिथाइल को ब्रेक करके यहां लेके जाते हैं, तो इसमें हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब इन तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, इस एग्जाम्पल में इस कार्बोकेटायन के इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप के साथ साथ एक एच प्रेजेंट है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी में हम इस एच के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके इस एच को यहां शिफ्ट कर दें, तो ऐसी शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कहलाएगी। जब यहां से आप एच को ब्रेक करके जब इसको यहां जोड़ोगे तो इस कार्बन और इस एच के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि ये एच यहां से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके फिर शिफ्ट हुआ है और इसी कारण से इस कार्बन पर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इसमें एक शिफ्ट और हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक मिथाइल, जैसे मान लो ये वाला मिथाइल जो है अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर इस कार्बोकेटायन पर आ जाए, तो बेसिकली होगा क्या, इस कार्बन पर CH3 ग्रुप निकल चुका है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर इस कार्बन के साथ नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्वेश्चन ये बना, हाइड्राइड शिफ्ट बेटर है या फिर मिथाइल या एल्काइल शिफ्ट बेटर है, तो इसका डिसाइड किस तरह से करेंगे। इसका डिसाइड करेंगे बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। जिस कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिस रूट में सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो वाला रूट मोर फिजिबल रूट होगा। जैसे इस कार्बोकेटायन की बात करें तो इसके एडजेसेंट कार्बन पर डायरेक्टली एक एच जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बोकेटायन में अगर हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात करें तो प्लस एच जो होगा वो एक अल्फा एच के कारण होगा। इसी तरह से इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा जो कि दो मिथाइल ग्रुप का या फिर आप ऐसा कह लो आइसोप्रोपाइल ग्रुप का होगा। इसी तरह से अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट के बाद बनने वाले इस कार्बोकेटायन की बात करें तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में टोटल इसमें 3 अल्फा कार्बन है और जिनके पास टोटल 9 अल्फा एच है, यानी इस कार्बोकेटायन में अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करी जाए तो इसमें 9 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा और साथ में 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर इसमें मिथाइल शिफ्ट होती तो बनने वाले कार्बोकेटायन में इस कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 उसमें अल्फा कार्बन है और टोटल इसमें 5 अल्फा एच है, यानी इस कार्बोकेटायन में प्लस एच जो होगा वो 5 अल्फा एच के कारण होगा। इसके साथ साथ इसमें मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। डोमिनेंट इफेक्ट चूंकि प्लस एच है तो इन तीनों में हम देखते हैं प्लस एच सबसे ज्यादा किस में है। यहां पे हमारे पास एक अल्फा एच है, अगर ये कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता है तो इसमें नो अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन होता है, और सपोज ये कार्बोकेटायन मिथाइल शिफ्ट करता है तो इसमें 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है, यानी इस कार्बोकेटायन को तो दोनों रूट में फायदा है। अगर वो हाइड्राइड शिफ्ट करे तो भी फायदा है, मिथाइल शिफ्ट करे तो भी फायदा है, बट ज्यादा फायदा किस में है, ज्यादा फायदा उसको हाइड्राइड शिफ्ट में है क्योंकि यहां इसके पास 1 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन था, यहां पर 9 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन हो रहा है जबकि यहां पर 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है इन दोनों में अगर फिजिबिलिटी की बात करें तो हाइड्राइड शिफ्ट जो होगी वो मिथाइल शिफ्ट से बेटर शिफ्ट होगी। अब यहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि हाइड्राइड शिफ्ट केवल मिथाइल से बेटर है या सभी अल्काइल से बेटर है, तो यहां पर हमने एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि जो शिफ्ट है यानी हाइड्राइड शिफ्ट सभी तरह के अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, प्रोपाइल शिफ्ट, सभी तरह की अल्काइल शिफ्ट से बेटर हाइड्राइड शिफ्ट होती है। जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया था कि कोई भी शिफ्ट हो, ये जो शिफ्ट होती है ये कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है। जैसे इस एग्जांपल में हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, अब इसका मतलब ये है कि यह हाइड्रोजन जो है यहां से कंप्लीटली डिटैच नहीं हो सकता, ये इसके साथ अटैच कंडीशन में रहेगा और शिफ्ट होते वक्त इन तीनों के बीच में 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें ये वाला बॉन्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है और यहां से इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया जो इस तरह से शो होगा। इस 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही 1,2 शिफ्ट पॉसिबल हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इस कार्बोकेटायन में इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर एच एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी 0 हो गई। अब इस कार्बन पर
सिर्फ एल्काइल ग्रुप है जिसमें से दो ग्रुप आइडेंटिकल मिथाइल है और एक ग्रुप हमारे पास इथाइल है। तो इसका मतलब यह है इसमें दो तरह की 1,2 शिफ्ट हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी में से इन दोनों मिथाइल में से कोई एक मिथाइल, सपोज इस मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को ले जाकर आप मिथाइल के साथ यहाँ शिफ्ट कर दें, जैसे ये मिथाइल यहाँ आएगा तो इस तरह की शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट कहलाएगी और इस मिथाइल के इस CH2 से जुड़ने से ये आपको कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर हम मिथाइल शिफ्ट ना करके इस इथाइल ग्रुप को इसके इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शिफ्ट कर देते तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाता और ये इथाइल ग्रुप इस CH2 पे चला जाता तो ये कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देता और ये शिफ्ट कहलाती इथाइल शिफ्ट। अब अगेन मिथाइल शिफ्ट बेटर है या फिर इथाइल शिफ्ट बेटर है इसका डिसाइड किया जाएगा इन दोनों की स्टेबिलिटी के बेस पे। इस कार्बोकोटाइन से जो भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन बन रहा होगा वो शिफ्ट फिजिबल होगी। चूंकि इस कार्बोकोटाइन में इस कार्बन पर डायरेक्टली एच जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इस कार्बोकोटाइन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसमें केवल एक ही इफेक्ट प्रेजेंट है और वो भी इसमें इंडक्टिव है। अब बात करते हैं इस कार्बोकोटाइन की। इस कार्बोकोटाइन में इस कार्बन के एडजेसेंट इसके पास तीन कार्बन है और तीनों पर ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इस कार्बोकोटाइन में अगर हम प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 7α H का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह सपोज इसमें हमने एथाइल शिफ्ट करी होती तो इस कार्बोकोटाइन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3α कार्बन है और इसमें अब टोटल जो होगा वो 8α H का हाइपर कंजुगेशन होगा, यानी प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो इसमें 8α H का होगा। इसके साथ साथ इसमें प्लस आई इफेक्ट भी होगा। अगर इस कार्बोकोटाइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके लिए तो दोनों ही रूट फिजिबल लग रहे हैं क्योंकि दोनों में ही इसको स्टेबिलिटी गेन हो रही है, बट इन दोनों में से मोस्ट फिजिबल रूट वो होगा जिसमें इस कार्बोकोटाइन से बेटर से बेस्ट कार्बोकोटाइन बने। तो चूंकि यहाँ पर 8α H का हाइपर कंजुगेशन है इसलिए इस तरह के कार्बोकोटाइन में मिथाइल शिफ्ट से बेटर इथाइल शिफ्ट होती है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि इथाइल शिफ्ट जो होती है वो मिथाइल शिफ्ट से बेटर शिफ्ट है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इस एग्जाम्पल में इस कार्बोकोटाइन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसका मतलब यह है इसके रीअरेंजमेंट में एल्काइल शिफ्ट होगी। अब वो मिथाइल शिफ्ट होती है या टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट होती है इसके लिए दोनों केस को एज्यूम कर लेते हैं। पहले केस में मिथाइल शिफ्ट होता है और मान लीजिए ये मिथाइल अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहाँ चला जाता है। जब सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहाँ चला जाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे कुछ कार्बोकोटाइन इस तरह से दिखाई देगा। अब दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट की। अभी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाकर अगर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। इस कार्बन और इसके बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इन दोनों शिफ्ट में से प्रैक्टिकली ज्यादा फिजिबल कौन सी है उसको जानने के लिए इन दोनों कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं। इस कार्बोकोटाइन में टोटल यहाँ से 5α H का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर सेकंड कार्बोकोटाइन की बात करें तो इस कार्बोकोटाइन में टोटल हमारे पास 8α H का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरह से दोनों में प्लस आई इफेक्ट भी प्रेजेंट है। चूंकि प्लस एच इफेक्ट डोमिनेंट है इसलिए दोनों में अगर प्लस एच का कंपैरिजन करें तो अगर मिथाइल शिफ्ट होता है तो इसमें 5α H का हाइपर कंजुगेशन लगता है। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्ट होती है तो इसमें 8α H का हाइपर कंजुगेशन होता है। इसका मतलब इन दोनों कार्बोकोटाइन में से जो टर्शियरी ब्यूटाइल के वक्त बनने वाला कार्बोकोटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसलिए मिथाइल शिफ्ट फिजिबल शिफ्ट नहीं होगी। इस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल की शिफ्ट फिजिबल होगी। और अगर इन सभी एग्जाम्पल के बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें तो हाइड्रेट शिफ्ट सबसे बेस्ट होगी और एल्काइल में मिथाइल शिफ्ट सबसे पुअर शिफ्ट होगी। एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में इस कार्बोकोटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम दोनों एटम प्रेजेंट है, यानी इसका मतलब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है और ड्यूट्राइड शिफ्ट भी हो सकती है। चूंकि इस शिफ्टिंग में कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी
वो सी डी बॉन्ड की ज्यादा आएगी, सी एच बॉन्ड की कम होगी। यानी कि इसमें जो हाइड्रेट शिफ्ट है वो मोर फिजिबल शिफ्ट होगी, क्योंकि इस शिफ्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और एच अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर 5, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने डील करे उन सभी में हमने केवल एक एक शिफ्ट करी है, या तो वो हाइड्रेट शिफ्ट थी या ड्यूटराइड थी या फिर मिथाइल शिफ्ट थी, यानी हमने एक साथ दो शिफ्ट नहीं करी। अगर मान लो आपको कहीं भी एक से ज्यादा शिफ्ट एक साथ करनी पड़ रही है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि कार्बोकैटायन कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। अब इस लाइन का, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये है, आपके पास जो भी कार्बोकैटायन है जिसको आप स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो उसमें पहले कोई भी शिफ्ट कर लीजिए, शिफ्ट करते ही बनने वाले कार्बोकैटायन और जो आपका इनिशियल कार्बोकैटायन था दोनों की स्टेबिलिटी में कंपेयर करके उस शिफ्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे इस एग्जांपल में इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट दो हमारे पास कार्बन है, तो पहले में इस कार्बन के थ्रू हम हाइड्रेट शिफ्ट करते हैं। अगर हाइड्रेट शिफ्ट करें तो इससे हमारा कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इन दोनों कार्बोकैटायन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अगर इस कार्बोकैटायन में देखें तो इस कार्बोकैटायन में टोटल 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह से इस कार्बोकैटायन में हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद बनने वाले कार्बोकैटायन में टोटल 2 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ इसके पास पहले 5 अल्फा एच थे, अब यहाँ पे 2 अल्फा एच हो गए, यानी अगर ये हाइड्रेट शिफ्ट करता है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये पाथ इसमें कभी भी फिजिबल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इसके इस साइड के कार्बन की। अगर यहां से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया जाए, यानी यहां से हाइड्रेट शिफ्ट की जाए, तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बनने वाले इस कार्बोकैटायन में एक पॉसिबिलिटी और है कि यहां से इस कार्बन से एक एच यहां शिफ्ट कर दिया जाए, यानी अगेन इसमें एक और हाइड्रेट शिफ्ट कर दी जाए। अगर ये हाइड्रेट शिफ्ट कर देते हैं तो इससे हमारा कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इस कार्बोकैटायन में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ टोटल 8 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अगर हम इनिशियल हमारे पास जो कार्बोकैटायन है उसको देखें तो इसमें 5 अल्फा एच थे और इसमें 8 अल्फा एच है, इसका मतलब ये दो हाइड्रेट शिफ्ट करके ये यहां पर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि किसी भी कार्बोकैटायन में एक साथ किसी भी तरह की दो शिफ्ट करके बनने वाले कार्बोकैटायन और इनिशियल कार्बोकैटायन को आपस में कंपेयर करना क्या लॉजिकली है। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है, ये सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। इसमें लिखा है कि कार्बोकैटायन अपना फ्यूचर नहीं देखता, इसका मतलब ये है ये कार्बोकैटायन है, अगर ये पहली शिफ्ट करता ये इसका प्रेजेंट होता, एक शिफ्ट और करता तब जाके इसका ये फ्यूचर होता। तो कार्बोकैटायन कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देख सकता, वो अपना प्रेजेंट देखता है। अगर प्रेजेंट में फायदा है तो वो एक शिफ्ट कर लेगा और अगले प्रेजेंट में फायदा है तो वो शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आपको केवल एक ही शिफ्ट करनी है, कोई भी एक शिफ्ट करके बनने वाले कार्बोकैटायन को उसी वक्त इनिशियल के साथ कंपेयर करना है। जैसे इस कार्बोकैटायन में हम एक शिफ्ट हाइड्रेट शिफ्ट करके ये कार्बोकैटायन बन जाता, अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करते, इसमें हमारे पास टोटल 3 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है, यानी इसमें प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो 3 अल्फा एच का होगा। अब जो हमारे पास स्टार्टर कार्बोकैटायन था उसमें 5 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन है, यहां पर 3 अल्फा एच का कंजुगेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है। तो कार्बोकैटायन 1,2 शिफ्ट के वक्त केवल एक ही रूल फॉलो करता है कि उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होनी चाहिए या उसकी स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि ये कार्बोकैटायन जो है यहां पर अपनी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर लेता है तो ये वाला स्टेप ही इसमें फिजिबल नहीं है, ये वाला स्टेप इसमें कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस कार्बोकैटायन में यहां से हाइड्रेट शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, इस कार्बोकैटायन में यहां से हाइड्रेट शिफ्ट अगेन पॉसिबल नहीं है, यानी ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं शो कर सकता। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास ये कार्बोकैटायन है तो इसके एडजेसेंट दो कार्बन है, अगर मैं यहां से एक हाइड्रेट शिफ्ट करता तो मेरे पास ये कार्बोकैटायन बनता, मैंने इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन की आपस में स्टेबिलिटी को कंपेयर करा, मेरी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कार्बोकैटायन के लिए कतई फिजिबल रूट नहीं है। अब बात करते हैं यहां से अगर एक हाइड्रेट इधर शिफ्ट करता तो इससे ये कार्बोकैटायन बनता, अगेन इस रूट में इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये भी स्टेप फिजिबल नहीं होगा। इसका आगे वाला स्टेप मुझे सोचना ही नहीं है क्योंकि कार्बोकैटायन को यही फायदा नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं 1,2 फिनाइल शिफ्ट की।
एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है जिसमें इस कार्बन के एडजेसेंट दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसमें सबसे पहले हाइड्रेट शिफ्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इसमें हाइड्रेट शिफ्ट हो जाए तो इससे हमारे पास कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब इस कार्बोकेटाइन से अगली शिफ्ट करने से पहले इस शिफ्ट की फिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसके लिए इन दोनों कार्बोकेटाइन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसमें यहां से दो अल्फा एच का हाइपरकंजुगेशन प्रेजेंट है, यानी इसमें प्लस एच जो होगा वो दो अल्फा एच के कारण होगा। इसी तरह इस वाले कार्बोकेटाइन में टोटल यहां से तीन अल्फा एच प्रेजेंट है, इसमें हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट जो होगा वो तीन अल्फा एच के कारण लगेगा। चूंकि इसमें दो अल्फा एच का हाइपरकंजुगेशन था, साथ में इंडक्टिव भी था, इसमें तीन अल्फा एच का हाइपरकंजुगेशन है, साथ में इंडक्टिव भी है, तो इन दोनों में से ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये पहली जो हमने शिफ्ट करी है ये फिजिबल शिफ्ट है। अब इसमें दूसरी शिफ्ट सोचते हैं। दूसरी शिफ्ट के लिए इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है जिस पर तीन फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तो इसमें से कोई भी एक फिनाइल ग्रुप हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे जिससे हमारे पास कुछ इस तरह की कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब इस कार्बोकेटाइन में हुआ क्या, ये कार्बोकेटाइन का ये जो सी पॉजिटिव वाला कार्बन है ये दोनों बेंजीन के एडजेसेंट है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज दोनों बेंजीन रिंग में माइग्रेट कर सकता है, इसलिए इसमें दो बेंजीन रिंग का प्लस एम के साथ साथ यहाँ पे एक एच का हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट भी जुड़ गया, तो इसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होगी ज्यादा हो जाएगी, यानी इस कार्बोकेटाइन में अब ये जो शिफ्ट है ये फिजिबल शिफ्ट होगी। इस 1,2 फिनाइल शिफ्ट के ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए इस स्टेप को वापस एक बार दोबारा कंसिडर करते हैं। चूंकि इस कार्बोकेटाइन में इस कार्बन पर तीन बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी जिसमें से एक बेंजीन रिंग को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि इस कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर यहां से बेंजीन शिफ्ट होगी और इसमें बेंजीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से शिफ्ट होंगे कि बेंजीन के ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए। क्योंकि इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और इन दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनने वाला है, इसलिए जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और जो नया बॉन्ड बनने वाला है इस दोनों को ही हम डैश लाइन से शो करते हैं, इसमें थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। साथ में ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये बेंजीन के इन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, इसलिए अब ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्थो से यहाँ पैरा पे माइग्रेट कर सकता है और फिर दोबारा यहाँ ऑर्थो पे माइग्रेट कर सकता है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं माइग्रेशन एप्टीट्यूड की या रिलेटिव एबिलिटी ऑफ माइग्रेशन की। अगर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की बात की जाए तो इसका जो माइग्रेशन का ऑर्डर या माइग्रेशन का एप्टीट्यूड है उसमें सबसे ज्यादा जो शिफ्ट होती है वो हाइड्रेट शिफ्ट होती है और उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होती है और सबसे लास्ट में एल्काइल शिफ्ट होती है। अब इसके थ्रू हम कई सारी चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे नंबर वन, जैसा अभी तक के एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो तीनों ग्रुप होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बोकेटाइन पर माइग्रेट करते हैं ताकि उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो सके। इसका मतलब ये है इन ग्रुप में जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कार्बोकेटाइन की उतनी ज्यादा हेल्प कर पाएगा। तो जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड या एबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसी कारण से इन तीनों में से हाइड्रेट शिफ्ट सबसे बेटर होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये इजिली कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके डेफिशिएंसी को खत्म कर देता है। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा रीअरेंजमेंट है जिसमें एक से ज्यादा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हमको डिफरेंट फिनाइल रिंग में से चूज करना पड़े तो उस रिंग को माइग्रेट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। अगर इन पांचों रिंग में से सबसे बेस्ट माइग्रेटिंग ग्रुप निकालना होता तो हम क्या करेंगे, जो बेंजीन पर जो भी ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का डोमिनेट इफेक्ट को देखते हुए इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देख लेंगे और जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस रिंग की माइग्रेशन एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फर्स्ट में OMe ग्रुप जो लगा हुआ है ये अपना स्ट्रॉन्ग प्लस एम के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा जबकि मिथाइल प्लस एस से करेगा, और तीसरे में सिर्फ बेंजीन है, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा ही नहीं हुआ है, और चौथे में यहाँ पे Cl है जो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा, और इसी तरह से पांचवे में यहाँ नाइट्रो ग्रुप है जो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब होगी जब बेंजीन के ऊपर OMe ग्रुप लगेगा और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब होगी जब बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगेगा। यानी इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेट ऑफ माइग्रेशन या रेट ऑफ एबिलिटी ऑफ माइग्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी एग्जांपल नंबर 7, इस एग्जांपल में इस कार्बोकेटाइन के इस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पर तीन तरह की बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इनमें से तीनों में से कौन सी रिंग इस कार्बोकेटाइन पर शिफ्ट होगी या माइग्रेशन शो करेगी ये डिसाइड करेंगे
इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। जैसे इस रिंग की बात करें, यहाँ पर OMe ग्रुप लगा हुआ है। अब ये OMe ग्रुप क्या करेगा, अपने स्ट्रॉन्ग प्लस M के कारण इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डोनेट करेगा। और इसी तरह से इस रिंग में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, अपने स्ट्रॉन्ग माइनस M के कारण बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी विड्रॉल कर लेगा। जबकि तीसरे में सिर्फ बेंजीन लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा हुआ। अगर इन तीनों में हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में होगी, क्योंकि यहाँ पे OMe का प्लस M लग रहा है। उसके बाद इस रिंग में होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो शिफ्ट होगी वो इस रिंग की होगी, और यहां से ये पूरी रिंग यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नंबर थर्ड, अगर किसी एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप हैं और उसमें से हमको बेस्ट शिफ्ट डिसाइड करनी है, ऐसी कंडीशन में कार्बन और इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर करती है। इसी कारण से H शिफ्ट सबसे बेस्ट होती है, जबकि T शिफ्ट सबसे पुअर होती है। इसी तरह से नंबर फोर्थ में अगर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दिए हुए हैं, तो इसमें माइग्रेशन को डिसाइड करते वक्त ये देखा जाता है कि जो जितना बेटर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा वो उतना ज्यादा अच्छी माइग्रेशन एबिलिटी रखेगा। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल में से, क्योंकि ये सभी ग्रुप जो होते हैं वो नेगेटिव बन के माइग्रेट करते हैं, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ये डोनेट कर सकता है, जबकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डोनेट कर सकता है। और जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा उसकी माइग्रेशन एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसी कारण से इन चारों ग्रुप में टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे फास्ट माइग्रेट करता है और इसी तरह से मिथाइल सबसे पुअर माइग्रेट करता है। एग्जाम्पल नंबर 8, अब हम बात करते हैं केसीपी और टीसीपी की। ये केसीपी और टीसीपी क्या होते हैं, केसीपी को हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहते हैं और टीसीपी को हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा कार्बोकैटायन है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ साथ फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें दो तरह की शिफ्ट हो सकती है। पहली तो इसमें एल्काइल शिफ्ट हो सकती है, दूसरी इसमें फिनाइल शिफ्ट हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी में से इन दोनों में से कोई एक मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, जिससे कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से इसमें एक फिनाइल शिफ्ट भी हो सकती है कि ये जो बेंजीन रिंग है अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव कर ले और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस कार्बन और बेंजीन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, और फिर बात करते हैं माइग्रेशन एप्टीट्यूड की। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होगा। अभी ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, इस कार्बोकैटायन में यहां से टोटल 5 अल्फा एच का हाइपरकंजुगेशन है, यानी इसमें प्लस एच इफेक्ट होगा और वो भी 5 अल्फा एच का होगा। इसी तरह से ये जो कार्बोकैटायन है ये बेंजीन के साथ एडजेसेंट है, यानी बेंजीन इसमें अपने प्लस एम के थ्रू भी इसको स्टेबलाइज कर सकती है और ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में तीन जगह पे माइग्रेट कर सकता है, जिसमें से दो ऑर्थो पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। अगर इस कार्बोकैटायन की बात करें तो इस कार्बोकैटायन में ये बेंजीन के साथ ये पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट ना होकर दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी अब ये कंजुगेशन की कंडीशन नहीं है, यानी किसी भी तरीके से अब ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में माइग्रेट नहीं कर सकता। तो इस कार्बोकैटायन में टोटल हमारे पास इन 8 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन होगा, यानी इसमें प्लस एच इफेक्ट होगा 8 अल्फा एच का। अब इन दोनों में से अगर बात करें तो इसमें हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी हेल्प कर रहा है, इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हेल्प कर रहा है। तो इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन होगा, यानी जिसमें हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हुआ है वो वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। अब हमको दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है। पहली तो ये मोस्ट स्टेबल क्या होता है और दूसरा फास्ट फॉर्म्ड क्या होता है। कहीं भी अगर आप मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप उसमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देख रहे हो। जैसे मान लो इन दोनों कार्बोकैटायन में ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब आपने इन दोनों में स्टेबिलिटी को चेक करा है, तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ये कार्बोकैटायन इसमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसी तरह से फास्ट फॉर्म्ड की बात करें, जैसे मिथाइल और फिनाइल में ऑर्डर ये कहता है फिनाइल शिफ्ट फास्ट है, फिनाइल शिफ्ट की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इन दोनों में से फिनाइल शिफ्ट के थ्रू ये कार्बोकैटायन बनना चाहिए। तो अब ये जो कार्बोकैटायन होगा ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी कि ये कार्बोकैटायन बनता स्टेबल है जबकि फास्ट कार्बोकैटायन ये बनता है।
तो क्वेश्चन में हम किस तरह से याद रखेंगे, कब हमको मिथाइल शिफ्ट करनी है, कब एल्काइल शिफ्ट को प्रेफरेंस देनी है, इसके लिए हमको अगेन दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर वन, अगर मान लीजिए 1.2 शिफ्ट आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रही है, या फिर कार्बोकैटायन इस तरह से रीअरेंज हो रहा है कि वो लोन पेयर बेयरिंग एटम या ग्रुप के एडजेसेंट चला जाए, तो ये लोन पेयर बेयरिंग ग्रुप या एटम उसमें प्लस एम शो करेगा और बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, जैसे पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में जो शिफ्ट होती है वो इस ऑर्डर से होगी, जिसमें फिनाइल सबसे फास्ट होगा और एल्काइल सबसे वर्स्ट होगा। नंबर सेकंड, इसके अलावा मान लो कोई ऐसी शिफ्ट हो रही है जिसमें ये 1.2 शिफ्ट जो है वो आरडीएस का पार्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमको ये ध्यान में रखना है कि जो शिफ्ट होगी वो इस ऑर्डर से होगी, यानी हाइड्राइड इसमें सबसे बेस्ट हो जाएगा और फिनाइल सबसे इसमें वर्स्ट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 9, इस कार्बोकैटायन में एडजेसेंट वाले कार्बन पर पीएच और मिथाइल के साथ साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से जो भी ग्रुप हम शिफ्ट करेंगे, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस OH के सामने आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में पिनिकोल पिनिकोलोन टाइप वाली शिफ्ट को ध्यान में रखना है, यानी कि फिनाइल शिफ्ट जो होगी वो एल्काइल से बेटर होगी, तो यहां से पीएच को शिफ्ट करके यहां ले जाएंगे और जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या, ये जो OH होगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा, जिससे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देने का काम करा है, इस O पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी और यहां से एक H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, जिससे फाइनली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने से कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस पूरी रीअरेंजमेंट में कार्बोकैटायन लोन पेयर वाले ग्रुप के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमको इस माइग्रेटिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। इस एग्जाम्पल नंबर 9 से हमको एक चीज ये समझनी है कि कहीं भी अगर लोन पेयर के थ्रू कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है, यानी बैक बॉन्डिंग हो रही है, या फिर कोई ऐसा रीअरेंजमेंट है जिसमें 1.2 शिफ्ट आरडीएस स्टेप है, ऐसी कंडीशन में फिनाइल शिफ्ट जो होगी वो एल्काइल शिफ्ट से बेटर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10, इस एग्जाम्पल में ये कार्बोकैटायन बाजू वाली इस कार्बन से सबसे पहले हाइड्रेट शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता है। अब इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट इस कार्बन पर दो मिथाइल है और एक फिनाइल है, यानी इसमें एल्काइल शिफ्ट भी हो सकती है और फिनाइल शिफ्ट भी हो सकती है। अगर हम फिनाइल शिफ्ट करें तो ये कार्बोकैटायन कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा, अगर इसमें दोनों में से कोई एक मिथाइल शिफ्ट होता तो मिथाइल शिफ्ट में ये कार्बोकैटायन इस तरह से दिखाई देता, बट किसी भी शिफ्ट में बनने वाला नया कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वो शिफ्ट के एप्टीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, यानी ऐसी कंडीशन में हमको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ना देखकर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जैसे अगर फिनाइल शिफ्ट होती तो इस कार्बोकैटायन में केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही डोमिनेंट रहता और इसमें जो है टोटल 7 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्रेजेंट रहता, यानी प्लस एच इसमें 7 अल्फा एच का होता। अब इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन से दो सिंगल बॉन्ड की दूरी पे, यानी कि ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। अगर इसमें मिथाइल शिफ्ट होता तो इसमें इस कार्बोकैटायन में यहां से टोटल 4 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन होता, यानी प्लस एच इसमें 4 अल्फा एच से होता। इसके साथ साथ ये कार्बोकैटायन इस बेंजीन के एडजेसेंट आ गया, यानी अब ये बेंजीन में माइग्रेट कर सकता है और बेंजीन इसको अपने प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मिथाइल शिफ्ट इसमें फिजिबल होगी, फिनाइल शिफ्ट इसमें फिजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि मिथाइल शिफ्ट के वक्त बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था। तो एग्जांपल नंबर 10 से हमने ये चीज कंक्लूड करी कि अगर कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, या फिर आपका 1.2 शिफ्ट जो है वो आरडीएस का पार्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक की जाएगी और इसके लिए माइग्रेशन एप्टीट्यूड कंसिडर नहीं किया जाएगा। माइग्रेशन एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो होता है वो थंब रूल नहीं होता, वो टेंटेटिव होता है, वो रफली ऑर्डर होता है। आप देखोगे कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो है वो बेयर विलिगर रिएक्शन में आपका अलग मिलेगा, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में अलग मिलेगा, और ये जो ऑर्डर होते हैं टेंटेटिव होते हैं। इसके साथ साथ रिएक्शन में दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, उसके बेस पे शिफ्ट डिसाइड की जाती है। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको 1.2 शिफ्ट में से एल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें से वो दो दो के सेट में आपके डिवाइस की स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे, तो सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है और उनके आंसर को मैच करना है।
आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे. दीज आर द आंसर्स. इन सभी 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या वीडियो में किसी भी एग्जांपल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई होप आपके ये 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे. तो गाइस, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 1,2 शिफ्ट का सेकेंड पार्ट, जिसमें बोन शिफ्ट यानी रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे.